हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ CB350। सो मैंने हम बात करने वाले हैं हमने कौन सी एक्सेसरीज इसमें लगवाई है, कहां कहां से लगवाई है और उसका कितना प्राइस है। तो चलो यार ये वीडियो इसी के ऊपर रहने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो यार बात करते हैं अपनी CB350 के हमने कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवाई हुई है। तो यार ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एक्सेसरीज का और सेफ्टी वाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमने यार सबसे पहली चीज़ इसमें लगवाई है भाई बैक रेस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो बैक रेस्ट इसमें लगाया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बैक रेस्ट है ना उसके साथ ये जो आपको डिफ़ॉल्ट ग्रिल मिलती है, तो पहले से ना स्टार्टिंग में आपको भाई डिफ़ॉल्ट ग्रिल इसमें मिलती है। तो इसमें ना भाई ये ग्रिल भी पूरी चेंज करी गई है, ये आप देख सकते हो इसमें सारी वही चेंज हुई है ये वाली ग्रिल, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बैक रेस्ट लगाया है। तो गाइस काफ़ी मतलब कुशनिंग इसकी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया अच्छे से ये लगाया हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हो। और इसके पीछे भी देखोगे ना भाई तो पीछे इन्होंने होंडा का यहाँ पे होंडा का बैजिंग है और यहाँ पे स्क्रू है और इसके अंदर भी भाई 3-4 स्क्रू लगे हैं। एकदम बढ़िया फिटिंग आती है इसकी। सो आप देख सकते हो ऐसा कुछ इसका बैक रेस्ट लगता है जो कि कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग ड्राइव पर अगर आपके साथ पिलियन है तो उसमें भाई काफ़ी हेल्प करेगा ये। और इसका अगर हम प्राइस करें ना तो 1100 कुछ का ये ग्रिल थी और 1200 कुछ का ये था। तो टोटल यार 2400 का 2400 का मेरे को होंडा बिग विंग से पड़ा है और काफ़ी बढ़िया यार इसकी क्वालिटी मेरे को लगी है, दैट्स वाई मैंने होंडा बिग विंग से ही लगवाया। बाकी आप आफ्टर मार्केट भी जा सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास। बात करते हैं सेकंड एक्सेसरीज की, तो आपको दिख रहा होगा यार यहाँ पे ये ब्राउन कलर की सीट्स आती हैं भाई इसमें, इसमें भी आपको कुशनिंग मिलती है, काफ़ी बढ़िया कुशनिंग है आप देख सकते हो, काफ़ी सॉफ्ट है ये, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग राइड पर जाना चाहते हो ना तो उसमें काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो कुशनिंग थोड़ी सी भाई और एक स्टेप बढ़ गई है, पहले भी ऐसे बाय डिफॉल्ट काफ़ी बढ़िया थी, एक स्टेप इसमें और बढ़ा दी गई है। और ये मेरे को पड़ा है होंडा बिग विंग से 600 रुपये का। बाकी देख सकते हो आप कलर इसका ब्राउन और ब्लैक में है, तो काफ़ी बढ़िया था इसमें यार लग रही है, काफ़ी बढ़िया सी लुक आ रही है सीट कवर के साथ भी और काफ़ी अच्छी सी फिटिंग आई हुई है इसकी। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सेसरीज़ की जो कि बहुत ही सेफ्टी में होना ज़रूरी है, ठीक। तो भाई बाइक बिल्कुल अगर भगवान ना करे बाइक गिरती है तो भाई सारा कुछ आपका डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो हमने लेग गार्ड लगवा लिया है, ठीक है, एक कंपनी से ही लगवाया है। सो ऐसा कुछ लेग गार्ड है यार ये पूरा ही और ऐसा सा टर्न हो रहा है इंजन की तरफ, इंजन को भी गार्ड करेगा, ठीक है। इसका इन्होंने इंजन गार्ड भी साथ में दिया है, ये देखा आप देख सकते हो, काफ़ी यार मतलब सॉलिड मटेरियल का है और ब्लैक कलर में आता है और एक सिल्वर में आता है, ठीक। तो ऐसी कुछ लुक आती है बाइक की अगर आप फ्रंट से देखोगे तो। तो यहाँ से जा रहा है या पूरा इंजन को यहाँ पे कवर कर रहा है राउंड होके और नीचे से भाई इसको इंजन गार्ड भी लगाया गया है। तो गाइस जो मेरे को इसका प्राइस पड़ा है ना वो 3200 पड़ा है, ठीक है, 3200 होंडा बिग विंग से। तो मैंने यार सारी भी जितनी भी एक्सेसरीज है होंडा बिग विंग से ही लगवाई है क्योंकि मेरे को क्वालिटी भाई काफ़ी बढ़िया लगी है उनकी। ये आप देख सकते हो इसके साथ आपको इंजन गार्ड भी मिलता है जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करता है। और लास्ट एक्सेसरीज हमारी है ये देख सकते हो आप, नीचे आपको स्किड प्लेट दिख रही होगी ये वाली, तो ये स्किड प्लेट होती है ये आप देख सकते हो ठीक है। और आप ड्राइव कर रहे हो ना नॉर्मल रोड पे तो उस केस में यार ये क्या करती है कि नीचे से जो पत्थर होते हैं ना वो इंजन पे गिरते रहते हैं तो वो भी काफ़ी डैमेज कर सकते हैं इंजन को नीचे से। तो दैट्स वाई ये मैंने इसलिए लगवाई है, इसको स्किड प्लेट बोलते हैं। और अगर मैं इसका प्राइस की बात करूँ ना तो ये मेरे को पड़ी है यार 1300 की। तो ये भी मैंने होंडा बिग विंग से लगवाई है और ये ना भाई फुल मेटल की है, तो ये आप देख सकते हो ये फुल मेटल है भाई, प्लास्टिक नहीं है। तो गाइज ये थी यार मेरी एक छोटी सी वीडियो, तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और ऐसे यार हम अपनी CB350 के आपको हर तरह के वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैंने यार मेरा यही मेन रीज़न था लगवाने के पीछे होंडा बिग विंग से क्योंकि ये क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त देते हैं, प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, आप आफ्टर मार्केट भी जा सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है भाई। मैंने तो होंडा बिग विंग से लगवाई है सारी एक्सेसरीज, तो बताना यार वीडियो कैसी लगी है एंड सपोर्ट करना गाइज आपको, और भी वीडियोज़ हम CB350 की अपनी लाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में।